मायरा ने तुम्हें बताया आज इसकी भाभी आई थी उससे मिलने के लिए? क्या सोचा था तुम? यहां छुपकर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा। तुम अगर पाताल में भी होते ना तो मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालता। इस हसीन और खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना मकरूह चेहरा छुपा रखा है ना तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें हिसाब देना ही पड़ेगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन। बाहर राबिया मिली थी, रो रही थी, क्या उल्टा सीधा बोला है तुमने उसको? मैंने? पहले ये बताओ तुमसे क्या कह दिया उसने? झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। अरे तुमको छीनना चाहती है मुझसे वो, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? शाइना क्या बकवास कर रही हो, अभी ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा तुम्हें उस पे यकीन है? मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने उसको इस घर में रखा और तुम्हें उस पे यकीन होगी? अपनी बीवी पे यकीन नहीं? धमकियां देके गई हूँ मुझे कि देख लूंगी, कर लो जो करना है। झूठी मक्कार औरत, इसको तो मैं देख लूंगी। ये जो तुम्हें अपने घर का घमंड है ना इतना, ऐसा ना हो कि इस घर में तुम अकेली रह जाओ। और ये जो तावीज है तुमने मंगवाए थे, ये याद करो। जावेद मैंने कोई तावीज नहीं मंगवाए थे, मुझे अम्मी के जाने के बाद डर लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ तावीज लाके दो, मैं उसे पानी में घोल के पीऊंगी। मैं तुम पे तावीज कैसे करवा सकती हूँ? वो करवा रही है तावीज तुम पे, हम पे तावीज करवा रही है वो। शाइना देखो, जो औरत खुद दुआ तावीज कर रही हो ना, वो दूसरों पे इल्जाम लगाती हुई अच्छी नहीं लगती। पहले अपने गिरबान में जाको, फिर उसको कुछ बोलना। जावेद मैंने कोई तावीज नहीं करवाई। जावेद, जावेद राबिया झूठ बोल रही है, वो हम पे तावीज कर रही है। मैं तो उसकी जबान बोलने लगी है। सॉरी आयशा, मैं किचन में थी, काम कुछ ज्यादा ही था। तुम कैसी हो? आयशा बहुत खुश है। तुमसे जो वादा किया था ना आयशा को खुश रखने का, बहुत अच्छी तरह से निभा रही। आयशा को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है शामी, तुम मुझे क्यों जता रहे हो? क्योंकि जो खुशियां तुम्हारे साथ बाकी, वो आज किसी और का मुकद्दर बन गया। शायद खुशियां मुझे रास ही नहीं आती। आयशा कहाँ है? एक बात पूछूं मायरा, तुम ठीक हो ना? बस एक ख्वाब देखा था मैंने, बहुत अजीब। शामी मैं खुश हूं या परेशान, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें सिर्फ आयशा की परवाह होनी चाहिए। ऐसा तुम कर सकती हो मायरा, तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है ना अपनी मोहब्बत दूसरों को सौंप देना। उससे पूछो, मैं तो अब तक वही हूँ, उसी लम्हे में कैद हूँ जिस लम्हे में मेरे दिल ने तुम्हारी मोहब्बत को महसूस किया था। मैं नफरत करती हूँ उन पलों से जब तुम मेरी जिंदगी में आए। मेरा बस चले तो अपने माजी को खुरच के निकाल दो। कितनी अजीब बात, जो लम्हा तुम्हारे लिए अज़ियत है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया। शामिर मैं तुम्हें सिर्फ आयशा के हवाले से जानती हूँ, उसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद क्या तुम आज भी ऐसे चले जाओगे? इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली क्या?
कहाँ है पैसे? महीना खत्म होने वाला है। अरे हाँ यार, भूल गया था, कल मिल गई थी तुमको। ये क्या, सिर्फ 6,000 रुपए? इससे क्या होगा, कभी तो मेरे हाथ में पूरी तनख्वाह रख दिया करो। तुम्हारी बीमारी के लिए ना एडवांस लिया था। भूल गई हो क्या? और इससे पहले कब मैंने तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं रखे हैं यार? साबित, तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो? इससे पहले तुमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की मुझसे पैसों के मामले में। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, उस मनोज के तावीजों का असर है जो घोल घोल के तुम्हें पिलाती रही है ना, तुम उसी की जबान बोल रहे हो। शाइना, खुदा का वास्ता है यार, माफ कर दो उस बेचारी को। अरे क्या माफ कर दूं? उसका क्या कसूर है, उसे क्यों घसीट रही हो बीच में? ये जो तुम्हारे हाथ में नोट है ना, उसी की बदौलत है, शुक्रिया अदा करो उसका, एहसान मंद है हम उसके, उसकी वजह से नौकरी लगी है मेरी। नौकरी लगवाई थी ना, तो एक काम करो, छोड़ दो नौकरी, कोई और काम धंधा ढूंढो, वो कर लो। क्या जरूरत है ऐसे पैसों की हमें, जिसकी वजह से हमारे घर में फसाद पड़ रहे हो, फूट पड़ रही हो, लड़ाइयां हो रही हो हमारे दरमियान, क्या जरूरत है हमें? और तुम लिखना इस घर से ना, मैं हर वो चीज निकाल के फेंक दूंगी जिसमें उस मनोज का साया हो। पता नहीं कौन से तावीज तुम पे उसने कराए, लड़ाइयां हमारी खत्म नहीं हो रही है। तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आ जाएगा बहुत जल्दी यकीन, उसी का किया रहा है सब कुछ। ये शाइना, तुम अपना इलाज करो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। खुदा के लिए खालिद, चाबी दे दो। इमन सारी रात इस हालत में भूखी प्यासी पड़ी रही है, ऐसे तो मेरी बच्ची मर जाएगी। मर जाएगी तो मरने दो, अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसे सफाक ना बनो खालिद, आखिर वो तुम्हारी औलाद है। ऐसा गुस्सा अपनी जगह, और ये तो जुल्म है। आप कम से कम ये तो सोचें कि वो माँ बनने वाली। ऐसी हालत में तो जानवरों पे भी रहम खा लेते हैं, वो तो तुम्हारी बेटी है। खबरदार, खबरदार परवीन, अगर उससे मेरा कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो। अच्छा ठीक है भाई साहब, वो आपके सामने नहीं आएगी और ना ही कमरे से बाहर निकली। ये कमरा तो बंदा था, चाबी दें ताकि भाभी नाश्ता पहुंचा सके। एमन, एमन, क्या हुआ एमन? कोई बात नहीं बच्ची, एमन, क्या हुआ? खालिद, खालिद, एमन रुक जा, देखिए क्या हो गया इसको शामी? एमन, मेरी बच्ची क्या हो गया? अब मेरी बेटी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? आपकी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन खुदकुशी की अटेम्प्ट क्यों की उन्होंने? आपको पता नहीं पुलिस केस बनता है। अब नहीं नहीं डॉक्टर साहब, खुदकुशी नहीं की है। मुझे इस फील्ड में 6 साल हो चुके हैं। बहरहाल फिलहाल तो मैंने मामला संभाल लिया बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन उनकी हालत बहुत कमजोर है तो कुछ भी हो सकता है, लिहाजा प्लीज आप उनका खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसका इफेक्ट उनके बच्चे को बहुत बुरा पड़ सकता है। क्या हम लोग अपनी बेटी से मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है, वो जैसे ही होश में आती हैं हमने रूम में शिफ्ट कर दी, फिर आप उन्हें मिल लीजिएगा। बाकी आप परेशान मत, वो ठीक है। शाइना,
शाइना, मैंने जैसे ही तावीज बीबी के सामने रखे ना, वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि ये तो काले जादू के तावीज है। क्या खाला, काले जादू के तावीज? हाँ खाला, इसका तोड़ तो होगा ना, कोई तोड़ कर देंगे ना वो? हाँ वो कह रही थी कि इसका तोड़ हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, मगर इसका असर ना तुम्हारी औलाद पे पड़ेगा। मनीष मारी राखिया, मेरी खुशियों के पीछे पड़ गए खाला, वो तो खाला जल्दी से इसका तोड़ करवा दो प्लीज, करवा दोगी ना? अरे बस तुम जावेद को अपने काबू में करो, राबिया का मकसद है कि वो जावेद को तुमसे बसन कर दे। खाला ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, जावेद ना आजकल मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है, लगता है तावीजों ने असर करना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मुझे तावीज मिल गए, वरना ना जाने क्या होता। क्या होता, राबिया जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाती। हालांकि मैं चाहती हूँ कि ये जो तावीज है ना, राबिया का तावीजों का उल्टा असर हो जाए, रहेगी पूरी जिंदगी अपनी भाई की दहलीज पे, खून थूकती रहेगी वहां पे, देखना। तुम फिकर ना करो, बीबी जो है ना बहुत पहुंची हुई है। तो खाला तो मुझे उनसे मिलवाती क्यों नहीं हो? तो बीबी के पास मुझे लेके चलो ना, मैं दम भी करवा लूंगी अपना। अच्छा तो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, मगर सुनो पैसों का इंतजाम कर लेना। जी खाला। डॉक्टर से बात होगी, एमन को रात को डिस्चार्ज कर देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सफर। किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया इस बात का कि इस कड़े वक्त में तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और देखो खालिद को, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। इस समय भाई साहब शदीद सदमे से गुजर रहे हैं, इसलिए इतने सख्त हो गए, और इससे पहले कभी भी अपनी औलाद के लिए इतना सख्त नहीं हुआ। शुक्र है मेरी एमन को कुछ नहीं हुआ, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं खालिद को कभी माफ नहीं करती। मैं दिल से कहा। हाँ क्यों बचाया आपने मुझे, मर जाने दी थी मुझे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो किस तरह पूरी दुनिया से सिर्फ तेरे लिए लड़ रही है। इसीलिए तो मर जाना चाहती थी। कि सबकी मुश्किलें आसान हो जाए। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती, मर जाती मैं। इसे लड़की के बाद तुम्हें वैसे भी मर जाऊंगी अम्मी। हमने एक साथ जिंदगी गुजारने की कसम खाई थी, अगर पापा ने मेरी अली से तलाक करवा दी तो मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी अकेली, क्या बताऊंगी इसे? फजूल बातें सोच के तू टेंशन ना ले बेटा, मैं हूं ना, मैं खालिद से बात करूंगी, मैं उनको मनाऊंगी, उनके हाथ जोड़ूंगी, उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, तू टेंशन ना ले। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। अभी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। यह मैं
क्या करूं? आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। वैसे मेरे पास बस एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, मगर एमन को कैसे छोड़ू? तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अली मुझे डर लग रहा है, अगर घर में सबको पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। देखो अब तूफान आया सरा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा निकाह हो चुका है और वो भी पक्का काम हुआ है। ठीक है, खुला के कागजात, एमन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एमन का जवाब दे, कहा एमन? तरसोगी उसकी शक्ल को भी। पता नहीं उसे इन सब बातों का पता भी है कि नहीं, कि उसके बाबा मेरे साथ सौदा कर रहे हैं। मैंने तो एमन का हर घड़ी साथ देने का वादा किया था, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी कि, लेकिन आगे कोई रास्ता भी समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि मैं साइन करूं और बाहर निकल जाऊं। रुको परवीन, तबीयत कैसी है उसकी? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या वास्ता है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने मेरी बच्ची को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बच्ची की खुशियों के कातिल हो तुम। ज़बान संभाल कर बात करो परवीन, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो तुमने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा था क्या? तुम्हें ये नजर नहीं आता कि किस तरह मुझे वो रुस्वा करके गई है? दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम किस तरह के इंसान हो खालिद? जज्बात एहसासात नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम में? तुम हमें मारना चाहते हो ना, तो मार लो। मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो तुम, बाकी मुझे मार के अपना गुस्सा ठंडा कर लो तुम। उसे उसके किए की सजा मिली है, तो मैं तो कहता हूं कि जो लड़की घर से भागती है उसके लिए सजा कम है। घर से भागते हुए उसने नहीं सोचा कि माँ बाप को कितनी जिल्लत, कितनी रुसवाई उठानी पड़ेगी। तो वापस लौटने में यह कैसे सोच लिया कि घर में पहले जैसा मुकाम मिलेगा? अगर वो चाहती है कि उसे माफ कर दिया जाए तो मेरी एक शर्त है, उसे अली को छोड़ना होगा। मैं उसे अपना लूंगा। जाओ बता दो उसे। जावेद, तुम कल से नौकरी पे नहीं जाओगे। जावेद, कुछ कह रही हूं मैं तुमसे। क्या कर रही हुई? सब समझ में आ रहा है मुझे तुम्हें क्या कहना है। तो फिर तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। कल से तुम नौकरी पे नहीं जा रहे हो। नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा, कहां से खाएंगे? इतनी मुश्किलों से मिली है नौकरी मुझे। सब पता है मुझे, राबिया ने जानबूझ के तुम्हें नौकरी पे रखवाया ताकि वो तुम्हें अपने इशारों पे नचवा सके।
तुम्हें पता है वो जो घर से तावीज मिले थे ना, वो काले जादू के तावीज थे। वो चाहती नहीं है हमारा बच्चा, वो मारना चाहती है हमारे बच्चे को। तुम्हारे साथ ना दो मिनट भी बैठने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी हर बात के अंदर बस राबिया ही हो। पता नहीं उल्टी सीधी बातें कहाँ से कर लेती हो तुम इतनी। काम काज में ध्यान लगाओ अपना, ताकि ये सब बकवास है ना सोचा करो। लगता तावीज ने काम करना शुरू कर दिया। खली दीदी के पास जाऊंगी, इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। खैर तो है, अभी तो हमने उसे हाथ भी नहीं लगाया और वो साइन करने के लिए मान गया। वाकई जनाब, हवालात से भागने का तो अच्छे अच्छे लोग रास्ता ढूंढते हैं। मुझे पता था, मैं सुबह ही आता हूँ साइन करवाने के लिए। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। भाभी आप क्या कर रही हैं? देखो मायरा, अगर मैं खामोश हूं ना तो किसी मसलहत की वजह से। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शौहर से जाके कुछ ना बोलूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ऐसा काम? तुम्हें खालिद को जाके मनाना पड़ेगा कि वो इमरान को तलाक ना दिलवाए। लेकिन भाभी, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्यों क्यों नहीं मानेंगे खालिद भाई तुम्हारी बात? वो तो आजकल तुम्हारी हर बात मान रहे हैं। लेकिन भाभी, आप ये बात जानती तो हैं कि खालिद भाई यमन के मामले में किस कदर गुस्से में आजकल, और ऐसे में अगर मैंने खालिद भाई को कुछ कहा तो कहीं वो मुझ पे गुस्सा ना करना शुरू कर दे। मैं नहीं जानती कि तुम खालिद को किस तरह से मनाओगी, लेकिन अगर तुमने उनको नहीं मनाया ना तो मैं सफर को सब कुछ बता दूंगी। अब ये तुम्हारे हाथ में, फैसला कर लो। खुदार, मोहब्बत हवा हुई, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ये ना हो कि उसका अगला कदम उसे खाई में गिरा दे। पेपर्स तो साइन तो कर दिए होंगे। देखो, साइन नहीं किए तुमने? जी नहीं। क्यों? कैसे भरोसा कर लूं आप? पता चले मैं साइन करूं और आप मुकर जाएं और मुझे यहीं पे सड़ने के लिए छोड़ दें। क्या मतलब? मतलब साफ है सर, जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? देखें, आप मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं साइन कर दूंगा, फिर आजादी मेरी, बेटी आपकी। देख ले,
सौदा तो सौदा होता है सर। जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? तुम मेरी सोच से ज्यादा घटिया हो। तुम साइन करो इस पर, मैं जमानत के कागजात तैयार करवाता हूं। लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देना आसान नहीं है। मुझे कुछ कहना था। कहो। बहुत गलत हुआ है इमन के साथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे अलावा इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो इमन का घर टूटने से बचा सके। भाई साहब, इस मामले में किसी की नहीं सुनी, बहुत जिद्दी हूं। जो बात ठान ली सो ठान ली। हमारे वैसे भी पिछले दिनों भाई साहब जिस कर्ब से गुजरे हैं, तो मैं उन पर मजीद दबाव डालना नहीं चाहता। लेकिन अगर इमन ये नहीं चाहती तो आप लोग उसका घर कैसे तबाह कर सकते हैं? अच्छा बस ना, आप ज्यादा तरफदारी ना करो ना। तुम भूल गई वो वक्त जब उसे सारा गुनाह तुम्हारे सर डाल दिया था? वो बात नहीं है, मगर जास एमन के हवाले से अब मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। भाई साहब, उसके बाप जो फैसला करें उनकी मर्जी, और हमें उनकी हां में हां मिलानी है। वैसे भी ऐसी लड़कियों का अंजाम ऐसे ही होता है, तुम हमदर्दी ना करो। भाभी का हाल देख रही हो? भाई साहब ने साफ साफ कह दिया कि जो एमन का साथ देगा उसका अंजाम यही होगा। मेरा बच्चा, खाना खा। मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अपने खाने पीने का ख्याल रख। देख, मैं तेरी पसंद का खाना लेकर आई, खा ले। मैंने कहा ना अम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप ले जाए इसे यहाँ से। अरे अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कर, उसको सजा क्यों दे रही है तू? मैं सजा दे रही हूँ? सजा तो बाबा दे रहे हैं हम दोनों को। एक बार भी आकर उन्होंने मेरा हाल नहीं पूछा। ऊपर से चाहे जितने भी सख्त सही, लेकिन अंदर से बिल्कुल डर गए तेरी रात वाली हरकत की वजह से। पूछ रहे थे तेरा, तू मुझसे वादा कर आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेगी तू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ये क्या कह रही है? वो शामिल हो। इसे अंदर कैसे आने दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ शामिल, रुक जाओ। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चाचू ये अंदर कैसे आई? मुझे ये बताएं अंदर कैसे आई? शामिल होश के ना। चाचू मेरा खून खोल रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं शामिल, एक शामिल इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ सब कुछ। इधर आओ बेटा, शाबाश, इधर आओ, इधर आओ।
लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत क्या है कि उसे तलाक दिलवाकर इसी घर में रखना। मैं तो उसे एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं उसे अभी इस घर से निकाल दूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शामिर? जोश से नहीं होश से काम लो। एक गलती उसने की घर से भागने की, और दूसरी गलती तुम कर रहे हो उसे घर से निकालने की। मैं भी शक में नहीं हूँ कि उसे इतने आराम से जाने दो। उसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। मैंने फैसला किया है कि उसे तलाक दिलवाकर घर में रखूंगा, बिठाए रखूंगा, और यही उसकी सजा है। मैंने वकील से बात कर ली है। यानी कि तलाक दिलवाकर उसे यही रखेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह सजा उसे मिल रही है या उसे यहां देखकर हमें मिल रही है। जो हरकत उसने की है, मेरा दिल तो कर रहा है उसे जान से मार दूं। बेवकूफी की बातें मत करो शामिर। उसका खून करके तुम जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? एमन की गलती की सजा भाई साहब उसे दे रहे हैं, तो अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो प्लीज। एमन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना अभी फैसला करने के लिए बड़े जिंदा है, तो ये फैसला हमें करने दो। दवाई खा ले, खा ले एमन। तू मुझे कितना तंग करेगी एमन? सच कहते हैं लोग, औलाद के दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। तो मर जाने देती ना, क्यों बचाया आपने मुझे? ऐसे कैसे मर जाने देती? तेरी औलाद तो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं, तो क्या तू सोच सकती है कि तेरी औलाद को कुछ हो जाए? तो मैं तुझे कैसे मर जाने देती? सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं शामिर से बात करूंगी, वो अपने बाबा को मना लेगा। कभी नहीं मानेंगे। अपनी बारी में तो शामिर को हर चीज सही लगती थी, हर सूरत वो उस लड़की को अपनाना चाहता था। सारी नाइंसाफी सिर्फ मेरे साथ हो गई इस घर में। जिस लड़की के खातिर तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर दिया था ना, वो कोई और नहीं थी, मायरा थी, मायरा। अब मैं ये नाइंसाफी होने नहीं दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू बेफिक्र हो जा। शामिल, खाना लग गया, आ जाओ। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। शामिल, खाने से क्या नियाज? उस पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? आयशा, मुझे ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। शामिल प्लीज आ जाओ। आयशा, मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तुम जा रही हो या मैं जाऊं? मैं चली जाती हूँ। जावेद, तुम किधर रह गए थे? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? यार ऑफिस में काम ज्यादा था, तो वो ओवरटाइम कर दिया मैंने आज। वैसे तो तुम 7 बजे घर पहुँच जाते हो, आज तुमने माशाल्लाह से 11 बजा दिए। कौन सा ओवरटाइम करने बैठ गए थे? यार अभी मैं थका हुआ आ रहा हूँ, और मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं
किस हिसाब से किस टाइम से ऑफिस पहुंचता हूँ, किस टाइम से घर आता हूँ, पूरी कैलकुलेशन बताऊं तुमको यार, क्या हो गया तुमको? अच्छा प्लीज नाराज नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम कपड़े बदल लो और मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, नहीं। हाँ मैंने तुम्हारे लिए ना वो तड़के वाली दाल बनाई है, उसके साथ चावल भी, तुम्हारे पसंदीदा। मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। क्यों, अब मैं क्यों खा लूं अकेले? मैं ऑफिस से खाना खाकर आया। ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से घर आओगे, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे और तुम कह रहे हो कि मैं खा के आया हूँ। अरे यार अगर एक दिन ऑफिस में मैंने खाना खा लिया तो उसमें चिक चिक करने की क्या जरूरत है? समझ गई, सब समझ गई कि तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे? कि तुम किसके साथ खाना खा के आ रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। उस चुड़ैल के साथ थे ना? किस चुड़ैल के साथ? तुम राबिया के साथ खाना खा के आ रहे हो, उसके साथ थे, इसीलिए तो तुम्हें भूख नहीं लग रही है। उसी के साथ थे ना ये? नहीं थे। मैं ऑफिस में पागलों की तरह ओवर टाइम कर आ रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे ज्यादा मिल सके, हमारे हालात बेहतर हो सके, हम अच्छी जिंदगी गुजार सके, लेकिन तुम हो कि उल्टे सीधे शक कर रही हो मुझ पे। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अम्मी के कमरे में सो जाऊं। कर लिया तुमने ओवर टाइम, वहीं पे ही सोना आज के बाद। पूरा पूरा दिन इंतजार करो कि घर तशरीफ लाएंगे, हम खाना खाएंगे, मगर ये तो पता नहीं किस किस के साथ खाना खा के आ रहे हैं। दुश्मन